प्रयागराज, जिसका भूतपूर्व नाम इलाहाबाद था, भारत की उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर है और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका प्राचीन नाम प्रयाग था। यह पवित्र नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है। सन 1500 ईस्वी की शताब्दी में मुस्लिम राजा द्वारा इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था, जिसे सन अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस बदलकर प्रयागराज कर दिया। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत करीब है, चंद्रवंशी राजा पुरुराव का राज्य था। पासी कौसाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासन के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआन सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयागराज में निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। 1575 ईस्वी में संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद नाम से एक शहर की स्थापना की, जिसका अर्थ था अल्लाह का शहर। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत की धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रांतीय राजधानी थी, जिसे बाद में मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। सन 1801 ईस्वी शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 ईस्वी यह शहर आजादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ बन गया। आजादी के प्रथम संग्राम 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रख दिया गया तथा इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 ईस्वी में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र था। प्रयागराज में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त करने के लिए अहिंसा विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद प्रदान किए हैं। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। प्रयागराज का यह ट्रेन ब्रिज भारत के प्राचीनतम ट्रेन ब्रिजों में से एक है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी है। प्रयागराज में बहुत से टूरिस्ट प्लेस भी हैं, जैसे प्रयागराज दुर्ग, स्वराज भवन, आनंद भवन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, रानी महल, जवाहर प्लेनेटोरियम, प्रयागराज संग्रहालय, पब्लिक लाइब्रेरी, चौक, घंटाघर।